Tell me about politicians. How crazy are they for this exposure? तीनों चारों दिनों पार्लियामेंटेरियंस ने आके प्रोग्राम में अपोलोजाइज किया कि हम लोग किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे तो अपने हल्के वाले हम इतना बुरा भला कह रहे हैं। एक बना बनाया करियर छोड़ के आप एक ऐसी चीज के लिए वेंचर करने के लिए जा रहे हैं जहाँ पे यू आर नॉट श्योर व्हाट इज गोइंग टू हैपन। लोग हमारे ना तमाशा देखना पसंद करते हैं। हाउ डू यू सी दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच बीइंग कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट? बहुत सारे तजियाकार ऐसे हैं शायद जिनको तजियाकार का मतलब ही ना बताओ। हाउ डू यू कंपेयर योरसेल्फ टू दोस लॉट ऑफ द एंकर्स ओवर देयर? आई डोंट डिपेंड ऑन एनीवन। आई डू माय ओन रिसर्च ऑन माय प्रोग्राम्स ऑन कंटेंट एंड एवरीथिंग। रिसेंट टाइम में चांद एक प्रोफेशन जो बहुत ग्लैमरस हैं और जिनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनमें से एक टीवी एंकरिंग है। हम अपने बेशमार पॉपुलर एंकर्स को टेलीविजन पे देखते हैं, लेकिन एट टाइम उनकी जिंदगी की स्ट्रगल का हमें नहीं पता होता। हमें नहीं पता होता कि किन फेजेस से और कितनी एफर्ट के बाद वो यहाँ तक पहुँचे हैं। आज मेरे मेहमान कैपिटल टीवी के एक बड़े मशहूर एंकर हैं, जो उनके प्राइम टाइम शोज जो हैं उसमें करंट अफेयर के प्रोग्राम उनको वो होस्ट करते हैं। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू मिस्टर मंसूर आजम काजी साहब। मंसूर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, सच अ प्लेयर हैव यू ओवर हियर। मुझे ये बताएं मंसूर के, हम मिड करियर चेंज की अक्सर बात करते हैं और सुनते हैं, लेकिन यू आर अ बेस्ट एग्जांपल कि आपने 18-19 साल बड़ी प्राइम की बैंकिंग करने के बाद यू गॉट इनटू द एंकरिंग, ये ट्रांजिशन कैसे हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच अलमास, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मैं हमेशा कहता हूँ कि वंस यू आर क्लोज टू 40, इफ यू वॉन्ट टू चेंज समथिंग तो चेंज योर करियर। सो दैट वॉज समथिंग। और 19 साल जी, अराउंड 19 ईयर्स आई डिड बैंकिंग, और आई एम वन ऑफ दोज ब्लेस्ड बैंकर्स जिन्होंने बहुत यंग एज के अंदर बहुत सीनियर पोजिशंस अचीव की और काफ़ी कुछ बैंकिंग के अंदर किया। लेकिन एक इंसिडेंट, जिस तरह अभी प्रोग्राम से पहले बता रहा था, सियालकोट वाला, जब वो दो बच्चों का इंसिडेंट हुआ, एंड दैट वॉज द ट्रिगरिंग पॉइंट फॉर माई लाइफ। एंड आई थॉट के आई नीड टू डू समथिंग। ठीक है, बैंकिंग कर रहा हूँ, सब कुछ है, बट ये जो हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर शायद कोई बात नहीं करता उस तरह, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटी की नॉर्म्स आ जाती हैं, डिफरेंट किस्म के प्रेशर्स आ जाते हैं। सो दैट वॉज द रीजन आई वेंट टू पीटीवी। लेकिन मंसूर, मैं जो जानना चाहूँगा कि आप पीटीवी पे गए, ये बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन इतना ज़बरदस्त करियर को छोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। हमारे यहाँ पे लोग जिनके अंदर टैलेंट, एबिलिटी, एट टाइम उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी होता है, रिसोर्सेज भी होते हैं, ट्रांजिशन भी इसलिए नहीं आते कि उनको लगता है कि इनसिक्योर फ्यूचर, कि एक बना बनाया करियर छोड़ के आप एक ऐसी चीज़ के लिए वेंचर करने के लिए जा रहे हैं जहाँ पे यू आर नॉट श्योर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और वहाँ पे भी हैवी वेट बैठे हो। वहाँ पे अगर आपने जाना है तो आपको बड़े बड़े नाम जो हैं वो टीवी चैनल्स पे ऑलरेडी नजर। सो बड़ा रिस्की सा काम था। बिल्कुल बिल्कुल रिस्की। मैं आपको बता रहा हूँ, जब बैंकिंग में गए थे तो उस वक्त भी बहुत सारे हैवी वेट्स बैंक्स में बैठे हुए थे, और हम लोग समझते थे पता नहीं शायद ज़िंदगी में कभी ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन आई वॉज़ वन ऑफ दोज जिनको बहुत फोकस्ड और काम करने का, आई एम दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। सो बैंकिंग के अंदर वंस आई सॉ कि थिंग्स कैन वर्क आउट, जब कि आपके पास बहुत टफ कंपटीशन होता है। सो कमिंग इन टू द मीडिया थिंग, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा कंपैरिजन होगा या कल को मुझे कोई टफ टाइम देगा। मैं कहता था कि मैं इनको टफ टाइम दे दूंगा। शौक था, क्या था भाई, लाइक बास का तो होता है ना कि यू फील के यू हैव गॉट द टैलेंट एंड एबिलिटी। यस, आई जिम शिम तो आप किया करते थे शुरू से, लेकिन क्या था, व्हाट एग्जैक्टली? नहीं, आई एक्चुअली हैव टू, मैं मेरे अंदर बिल्कुल इस चीज को लेकर आई हैड दैट पैशन कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में चल रही होती हैं, लेकिन कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके बाद लोग और ये जो बाहर हमारी, जिसकी हम अक्सर बात करते हैं ना, 20-22 करोड़ आवाम, इनके लिए कुछ एटलीस्ट ऐसा कर लें कि ये लोग याद रखें। पैसा तो हर एक के पास आ जाता है। मुझे ये बताएं, आप अपने आपको किस तरह डिफरेंट प्लेस करेंगे बाकी एंकर से? हमारे यहाँ पे जो बाकी मोस्टली एंकर से हैं, उनकी बैकग्राउंड जर्नलिज्म की बैकग्राउंड है। हमने देखा कि वो प्रिंट जर्नलिज्म में थे और वहाँ से ज्यादातर का ट्रांजिशन वहां से है, एंड देन दे बिकेम एंकर एंड ऑल दैट। कोई लंबा करियर उनका भी नहीं है टीवी चैनल्स का, बाय द वे। हाउ डू यू प्लेस योरसेल्फ? एट टाइम ये लगता ये है कि जब आप जाते हैं वो बार बार कहेंगे कि हमारी रिसर्च, हमने इतना काम किया, हम तो फील्ड में काम करते रहे, आप एकदम फ्रॉम नोवेयर यू बिकेम एन एंकर, एंड देन दैट टू आपके पास बड़ी अच्छी शिफ्ट जो है वो है 8-9 बजे का टाइम, बड़ा जबरदस्त, इट्स नॉट अ ग्रेवयार्ड शिफ्ट फॉर दैट मैटर एक्चुअली। हाउ डू यू कंपेयर योरसेल्फ टू दोस लॉट ऑफ द एंकर्स ओवर देयर? मुझे एक चीज का पता है कि शायद
उन्होंने जितनी मेहनत की होगी बिल्कुल की होगी, और हर बंदा मेहनत करता है, मुझे उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. वाई? बिकॉज मैं जितनी रिसर्च है, आई डोंट डिपेंड ऑन एनी वन, आई डू माई ओन रिसर्च ऑन माई प्रोग्राम्स, ऑन कॉन्टेंट एंड एवरी थिंग. सो यस, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है. बट बैकग्राउंड अगर आप बात करें तो मेरा, मैंने जर्नलिज्म भी पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में इन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, कायद आजम यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ा हुआ है, आईआर किया हुआ है, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ पढ़ी हुई हैं, इंटरनेशनली किस तरह दुनिया पाकिस्तान को देखती है. सो आई हैड अ प्रिटी गुड आइडिया अबाउट हाउ द थिंग्स वर्क आउट विद दैट. लेकिन हाँ, ये एक मेहनत है. और ये मेहनत, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब मैं बैंकिंग में आया था तो मुझे सारे कहते थे सोशल साइंसेज में आईआर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, तो बैंकिंग में किधर आ गए. सो बैंकिंग के अंदर उतनी ही मेहनत करनी पड़ी, उतनी ही मेहनत करनी पड़ी और आगे आ गए. और यहां पर भी कोशिश कर रहा होता हूं कि मेहनत जिस हद तक कर सकूं मैं कर. मंसूर, मुझे ये बताएं कि वापस जर्नलिज्म की तरफ जाती हैं और प्रिंट जर्नलिज्म की तरफ जब जाती हैं तो वहां पे हमें जो रिपोर्टर्स थे वो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट नजर आते थे. मसलन स्पोर्ट्स का जो रिपोर्टर था वो स्पोर्ट्स की बीट किया करता था, जो बिजनेस था वो exactly. हमारे कोर्ट के जो रिपोर्टर्स थे वो कोर्ट किया करते थे. लेकिन एंकर किसी के स्पेशली, एंकर इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड एक्चुअली. और यही कहा जाता है कि एट टाइम्स हमें मजाक भी उड़ते हैं कि हमारे एंकर ऐसे ब्लंडर्स कर देते हैं, चूंकि हम अपने आप को हर एरिया के 30 मार्खा समझते हैं. डू यू थिंक यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है, डेफिशिएंसी है, कमी है, हम ए टू जी हर एरिया कवर नहीं कर सकते? बिल्कुल करने की जरूरत है. और मैं इसकी बड़ी आपको एग्जांपल दूं कि आप माशाल्लाह खुद लॉयर हैं तो यू कैन टॉक ऑन लॉ थिंग्स. मैं करंट अफेयर्स मुझे आता है, बैंकिंग मुझे आती है, तो मैं इकोनॉमी को भी थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ थोड़ा सा, और करंट अफेयर्स को तो खैर वो दैट्स समथिंग विच आई, जो मुझे लगता है मैं बेहतर कर लेता हूँ. लेकिन अगर आप मुझे ये कहें कि मैं स्पोर्ट्स के ऊपर बात करने लग जाऊँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं. सो आई प्रेफर, और आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, आपको उन चीज़ों के अंदर अपने आप को लेकर जाना चाहिए जिनके आपके ऊपर ग्रिप हो. While sitting with you, if I start telling you law ये है, तो मतलब I'll be making fool out of myself. So that's मेरे ख्याल में ये जरूरी है समझना सारों के लिए कि कौन सी चीज के ऊपर आपको हाथ डालना है. अच्छा, मुझे on a lighter side now, हर बंदे की ख्वाहिश है टू बी ऑन टेलीविजन एंड ऑल दैट. और हमारे पॉलिटिशियंस की तो बहुत ख्वाहिश होती है कि हर वक्त वो टेलीविजन पे नजर आएं, अपने आप को प्रमोट करें. कितना जब वो जानती हैं कि यार ओ मंसूर है, एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है वो होस्ट करती हैं, they like to connect to you, they will like to be friend with you, they will like to avail that opportunity and all that. Mujhe tell me about politicians, how crazy are they for this exposure? Acha, main ek cheez batau, jitne bhi hamare parliamentarians hai, may it be from any political party, ek bada acha respect ka relation hai. और इन सारों को आई बिलीव एक चीज़ का जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, ये क्रेडिट है कि दे नो कि ही इज़ नॉट बायस टुवर्ड्स एनीवन, मे इट बी द गवर्नमेंट बेंचेस और ट्रेडी बेंचेस और द अपोजिशन बेंचेस. सो एक ये कंफर्ट जोन इन सबको रहता है कि अगर कोई कराची से MQM का भी MLA बैठे होगा ना, तो ही विल ऑल्सो बी नोइंग कि बेशक मंसूर काजी इन लाहौर, बट ये ऐसे नहीं करेगा कि हमारे पे ब्लेम गेम डाल देगा, और जबकि कसूर अंदर पीपल्स पार्टी का हो. सो मतलब दिस इज समथिंग, वन थिंग जिसका मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे न्यूट्रलिटी अपने प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंकर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. अच्छा मंसूर, मुझे आप ये बताएं कि एक और ट्रांजिशन अब आना शुरू हो गया कि हमारे जितने एंकर हैं उन सब ने रियलाइज किया कि जो फ्यूचर है वो तो डिजिटल मीडिया का है. वी सी Almost all of them running their own YouTube channels, Facebook का channel जो है, आपने भी कुछ शुरू किया? मेरा जी YouTube का भी shortly I have started it, और अभी तक तो so far it's very recent, but it's quite happening to be. That's a huge future in fact. लेकिन हमने ये भी देखा साथ के parallel ऐसे लोग जिन्हें टेलीविजन पे एक्सपोजर नहीं था, मौका नहीं था, उन सब ने भी अपने YouTube चैनल जो है वो बनाने शुरू कर दिए. ये जो ट्रेंड है गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करना चाह रही है, वो चाह रहे हैं कि हर कोई जो है उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच के हम सब अलमदार हैं बाय द एंड ऑफ द डे, लेकिन परहैप्स देयर इज अ हैमर दैट इज गोइंग टू फॉल ऑन मेनी पीपल. हाउ डू यू सी दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच बीइंग कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट जो अभी नई लेजिस्लेशन आ रही है? मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट जो कर रही है दो चीज़ों के ऊपर तो आई ऑल्सो बिलीव होना चाहिए. एक, आपकी सिक्योरिटी कंसर्न्स जितने भी इदारे हैं और जो नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उनके ऊपर नहीं होना चाहिए. आपका पॉइंट जिस तरह अभी आप पहले कह रहे थे कि बहुत सारे एंकर्स या बहुत सारे तज़ियाकार ऐसे हैं शायद जिनको तज़ियाकार का मतलब ही ना बताओ, ठीक है, एंड वंस दे कम एंड दे स्टार्ट गिविंग देयर व्यूज विदाउट थिंकिंग कि इसका इम्पैक्ट एक आम आदमी की जिंदगी पर क्या हो रहा है. मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो शायद सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अपने ऊपर होती है. अगर हम कोई गलत अपना व्यू दें, चाहे उससे एक बंदे की भी जिंदगी इम्पैक्ट पे इफेक्ट पड़े,
और अगर वो गलत पड़ जाए तो उसके फिर देनदार भी हम लोग ही होते हैं. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. बट सेकेंडली येस, फ्रीडम ऑफ स्पीच हर एक का राइट है, लेकिन वो राइट मासब तब तक है जब तक आपकी मैं इज्जत नहीं उछालता. वेरी ट्रू. वो अगर मैंने यूट्यूब चैनल बनाना है या फेसबुक बनाना है या मैंने अपने टीवी प्रोग्राम को यूज करना है किसी की इज्जत उछालने के लिए, तो दैट्स समथिंग विच शुड नॉट बी देयर. गलत चीज हुई है उसको हाईलाइट करें, क्रिटिसाइज करें, बट उसकी भी कोई डेफिनेशन जरूर होनी चाहिए. वो जो मैं कहता हूँ ना, मदर पितर आजाद नहीं चीजों को होना. ठीक ठीक ठीक. अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं, हमारे जो टीवी चैनल्स हैं जहाँ पे करंट अफेयर के प्रोग्राम हैं, चूंकि सब देखना चाहते हैं और सबकी ख्वाहिश होती है, डू यू थिंक कि जो हमारे लोग यहाँ पे एक घंटे का प्रोग्राम होता है और उसमें हम समाउदर एक दूसरे की बैशिंग कर रहे होते हैं, ये इससे लोग आप नफरत करना शुरू कर दिए? पीपल डू नॉट वांट दैट बैशिंग टू बी सीन ऑन दोस प्रोग्राम्स. मैं आपको बताऊं, पीटीवी पे अलिया जब मैं था तो वहां पर बैशिंग वाला इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता, प्रो गवर्नमेंट एंड ऑल दैट. आपने खुद भी उस पे काम किया हुआ है. बट वंस वी कम ऑन द प्राइवेट मीडिया, लोगों को अनफॉर्चुनेटली एक बुरी चीज है, बट मैं कह देता हूँ, लोग हमारे ना तमाशा देखना पसंद करते हैं. ठीक है, तमाश भी कॉम टाइप है. लेकिन इवेंचुअली मैंने अब रियलाइज किया पिछले कोई 6-8 महीने से, People prefer to have a logical discussion on very that issue. Very true. एक इशू के ऊपर सिर्फ लड़ा देना is not the end result. That's not the program should be about. और audience का level of understanding जो है वो बेहतर हुआ है शायद. लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हुआ है, लोग ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी शुरू हो जाती है जब वो देखते हैं हर रोज. अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी 2-3 रोज कबल पहले जब महंगाई के ऊपर एक स्पेशल इजलास हुआ असेंबली के अंदर, तो मास वाय 2-3 जो इकोनॉमिस्ट थे और जो जो मिनिस्टर फॉर ये इसके थे फाइनेंस के, इन्होंने बात की. उसके अलावा जो जबान इस्तेमाल हुई, आप यकीन करें उसके अगले दिन 3-4 दिन मेरा प्रोग्राम था और तीनों चारों दिनों पार्लियामेंटेरियंस ने आके प्रोग्राम में अपोलोजाइज किया कि हम लोग किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे तो अपने हलके वाले हम इतना बुरा भला कह रहे हैं. सो मतलब दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने आर्गुमेंट भी कर रहे हैं, दैट शुड बी लॉजिकल एंड बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, रादर देन कि आप ये कहें कि तुम चोर हो और तुम चोर. ठीक है. अच्छा मंसूर, आप मुझे फ्यूचर के बारे में बताएं कि ये एक ट्रांजिशन था, यू स्टार्ट विद द बैंकिंग, देन यू गॉट इनटू द टेलीविजन ऑल दैट, आर यू गोइंग टू स्टिक एंड कंटिन्यू विद दिस प्रोफेशन? इट्स अ फ्यूचरिस्टिक प्रोफेशन बाय द एंड ऑफ द डे. एग्जैक्टली. आर यू एंजॉयिंग इट आल्सो? आई एम एंजॉयिंग इट अ लॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. व्हाट एग्जैक्टली आर यू एंजॉयिंग, लाइक द पर्क्स एंड द प्रिविलेज, द यू गेट नोन दैट वे, या आपको एक कंटिन्यूअसली ऑन डेली बेसिस अपने आप को बेहतर करने का मौका मिलता है? मैं आई टेल यू वन थिंग कि मुझे शायद जिंदगी में कभी मैंने एमएससी तक इतना नहीं पढ़ा था जितना अब पढ़ना पड़ता है. और उसके बाद यू हैव टू बी अपडेटेड ऑल द टाइम, 24/7 यू हैव टू बी अपडेटेड. इट्स नॉट गोइंग टू बी कि जी आज मैंने छोड़ दिया है तो कल मैं कुछ और कर लूंगा. इट्स नॉट लाइक दैट. बट येस, इट्स वेरी चैलेंजिंग. दोज पीपल हु थिंक कि जी वो लोग आएंगे और आके पता नहीं क्या कर लेंगे और जोर जोर से बोल के, Trust me, it's not going to work that way. You have to be hands-on with the work. It's information, logic, exactly. Which matters, not कि आप कितने जोर से बोल रहे हैं. आपकी research आपके topic के ऊपर अगर पूरी नहीं है, आपके अगर guest pertain नहीं करते उस चीज से, तो आप यकीन करें आपका डाउनफॉल यू शुरू होता है. अच्छा मंसूर, हम हर प्रोफेशन में कुछ लोगों को आइडियलाइज करते हैं, हम चाहते हैं कि हम उनकी तरह हूं, या ये समझते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है या करते हैं. Who do you hold that kind of respect within this profession here in Pakistan? मेरे से तो जी मैं अक्सर कहता हूँ सारे ही अच्छे हैं. मैं तो अभी आई एम लाइक फॉर देम आई एम वेरी न्यू इन टू दिस, ऑल दो 4-5 साल हो गए. लेकिन मंसूर मैं पहले ये भी बताऊँ आपको, 22 करोड़ की आबादी में पहले भी आपको बता रहा था कि अगर हम टीवी चैनल्स के एंकर देखें तो उनका नंबर जो है वो तकरीबन 20-25-30 से ऊपर नहीं है. इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी इन दैट लीग. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है. बट आई पर्सनली, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट आई पर्सनली थिंक कि ऑल दोज पीपल जब वो टीवी पर आते हैं और उनकी रिसर्च पूरी होती है और जब वो बात कर रहे होते हैं तो आपको खुद पता चल रहा होता है कि ये फैक्ट्स और फिगर्स पे बात कर रहा है. ऐसे लोगों को मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान का मीडिया, पूरी दुनिया का मीडिया देखना चाहता है, इंस्टेड कि ऐसे लोग जो बैठा के सिर्फ एक दूसरे को कि तुमने ये कहा था और उसको. आप यकीन करें मैं हैरान होता हूँ, हम लोग हमारी मीडिया के अंदर आपको खुद पता है 8 बजे और 10 बजे के टाइम प्राइम टाइम स्लॉट समझी जाती हैं. आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि लोग किस तरह वहाँ बैठा के विदाउट डूइंग होमवर्क दे जस्ट पिक अप अ पॉइंट एंड दे स्टार्ट गेटिंग देयर वो बैशिंग स्टार्ट करा देते हैं. मतलब That's not what the people want to see. ठीक. और ये चीज मेरे ख्याल में हमें इवेंचुअली
डाउन द रोड सबको समझ आ जाएगी जी. थैंक यू सो मच मंसूर, बहुत शुक्रिया. इट वॉज सच एन ऑनर टू हैव सच अ गुड डायनामिक एंड कंपेरेटिवली यंगर एंकर ओवर हियर. चूंकि हमारे यहाँ पे लोगों को ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि हाउ गुड दिस प्रोफेशन इज़. हमारे अपने लॉ के प्रोफेशन से बेशुमार लोगों को हमने देखा कि जिन्होंने एक ड्यूअल प्रोफेशंस को अडॉप्ट किया, और एंकरिंग में नई बुखारी उनकी बहुत अच्छी एग्जांपल है. एंड देन वी सी सम ऑफ द यंगस्टर्स आल्सो गेटिंग इनटू दिस प्रोफेशन आल्सो. बट मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, और डे टू डे बेसिस पे जैसा मंसूर ने कहा, आपने अपने आप को अपडेटेड रखना है, ओनली देन यू आर गोइंग टू सर्वाइव. द कॉम्पिटिशन इज इमेंस, बट इफ यू मेक एन एफर्ट देन यू कैन इंजॉय वॉट ही इज इंजॉइंग, अ गुड क्वालिटी लाइफ, रेपुटेशन, रिकग्निशन एंड एवरीथिंग. दैट्स वॉट आर एंकर्स आर. थैंक यू वेरी मच.